चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कहा कि जो लड़ रहा है उसका फोटो तक नहीं होता और रैलियां निकल रही हैं तो वो प्रत्याशी तक नहीं होता है, बस उसके नाम के नारे लगते हैं। तो ये स्थिति तो तभी बदलेगी जब वो औरतें ना कहना सीखेंगी। जो भी गलत है, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है घर के अंदर, घर के बाहर या सोसाइटी में, आप ना बोलना सीखें। अगर मैं आज यहाँ से जीतती हूँ तो डेफिनेटली मेरे बाद शायद 5 लड़कियाँ या 5 महिलाएं और आएंगी। चक्कर में बटन दबाओ शान से, कैमरे के निशान पे क्यों पड़े हो चक्कर में। पुष्पा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुष्पा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में हैं और जिला गाजियाबाद में यहाँ प्रताप विहार कॉलोनी में आज हम लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स हमारे साथ मौजूद है जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो हमारे साथ आज पुष्पा रावत जी है जो वार्ड 51 से गाजियाबाद से चुनाव लड़ रही है। हम इन्हीं से बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्पा जी। मेरा पहला ही आपसे सवाल ये रहेगा कि आप एक अच्छे फिल्म मेकर हैं, काफ़ी फिल्में हमने भी आपकी देखी और लोग भी देखते हैं। फिल्मों से राजनीति में आने का ये निर्णय आपका कैसे बना? सर, सडनली तो नहीं था, क्योंकि आपने अगर निर्णय देखी है वहाँ पे और अब मैं काफ़ी, शायद मेरे बोलने में भी काफ़ी, कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी बदलाव आया होगा। तो निर्णय से जब जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि जिस आप देख रहे हैं प्रताप विहार कॉलोनी कैसा एरिया है, कैसा है, जब यहाँ हम पहली बार निकले थे तो यहाँ भी जिस तरह से हर गांव में, हर शहर में होता है कि लड़कियों की ये सब निकल, तो ये यहाँ भी था कि नहीं। तो शुरुआत जब मैंने की थी तो पेरेंट्स को ये बोला था कि लड़कियाँ निकल रही हैं, है ना, तो ये तो आजकल एक आम बात हो गई है, ठीक है, वो एक बैरियर तोड़ा। लेकिन जब 2013 में मेरी सिस्टर की मैरिज हुई और 14 में फिर उस पर डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीज़ें, फिर हम पुलिस का रुख किया, तो वो सिस्टम से लड़ते लड़ते पुलिस, वकील, सोसाइटी, तो फिर लगा कि नहीं, पावर चाहिए। अब पावर इन द सेंस कि ऐसी पावर जिससे हम गलत को रोक सकें, ये नहीं कि अपनी हुकूमत करें। तो फिर देन वो एक जर्नी रही 2014 का, उसका केस अभी भी चल रहा है। हम 10 साल से केस लड़ रहे हैं, 10-11 साल हो गए हैं 14 से अभी तक। फिर 19 में हमें पता चला कि उसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है, पैरों तले ज़मीन खिसकी, उसके तो खिसकी खिसकी, यानी हम फिर हमारी भागा दौड़ी यही सब, क्योंकि हम फिर वहीं पहुंच गए जहां 2014 में थे, क्योंकि एक फैमिली और हमें मौका मिला कि हमने सारी चीज़ें बैरियर तोड़ के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर से वो सारी कंडीशन, ये सब, तो जब वो हुआ उल्टा हम पे केस हो गया, बिना किसी उस जुर्म के हमें मुजरिम बनाया गया, सब कुछ, यानी हमें समझ नहीं आया कि हमने कुछ नहीं किया और बिना कुछ करें आपको जेल जाने की नौबत आई है, तो फिर तो कुछ करके जाने में फ़ायदा है ना। तो बहुत गुस्सा था, क्योंकि कोई भी आपके साथ नहीं, हम अपने घर से 15-20 दिन, इतने हमें ऐसे लगा हम कितने बड़े क्रिमिनल है, दोनों बहनें घर से गायब रही, पेरेंट्स परेशान, कैसे करें, यानी मैं उस कमरे में 3 दिन बन रही, क्योंकि जिस पे अभी स्टे ऑर्डर है बहन का, वो लोग तो वहाँ रह नहीं रहते, वो तो सेकंड मैरिज करके तुरंत गायब हो गए, तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो जब ये सारा सिस्टम, पुलिस का रवैया ये देखा ना, और सोसाइटी में देखा कि जब आप खड़े होने की वो करते हो ना कोशिश, तो गिराने वाले बहुत होते हैं।
मैं ये नहीं करी कि महिला यानी कोई भी शख्स अगर उठ रहा है तो उसको खींचने वाले हमेशा होंगे, तो फिर हमें लगा पावर चाहिए, क्योंकि हमारा जो हरासमेंट हुआ पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सिस्टम, फिर कोर्ट में हमें कितने वकील बदले वो हमें पता है। आज वो सब झेलते झेलते आज हम दोनों बहनें ही वकील बन चुकी हैं। अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लगा कि नहीं अब तो हमें पावर चाहिए, क्योंकि लड़ तो हम रहे ही थे, उसके अंदर भी वो पावर है, मेरे अंदर भी पावर, हम समाज से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का फ़ायदा नहीं था कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हालांकि वो नहीं दबी, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें लगा कि हम इतने एजुकेटेड हैं, उसने BCA MA किया है, अच्छी जॉब नौकरी कर रही थी, मैंने भी BA MA किया, फिर फिल्म मेकिंग भी किया, और उसके बाद भी अगर इतना सब नॉलेज लेके भी अगर हम हरासमेंट सह रहे हैं, तो हमें ये दिमाग में आया कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका क्या हाल होता होगा। क्योंकि खैर बचपन में हम मजाक करते थे कि आगे इलेक्शन लड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसे वो जर्नी स्टार्ट होगी कि हमारा केस हुआ, हम पे केस हुआ, क्योंकि वो एक वजह चाहिए थी ना, जो गुस्सा था सिस्टम पे, अपने सोसाइटी पे, तो फिर लगा नहीं, अगर हमें जी हजूरी करना है तो हम क्यों ना हजूर बन जाएं, कोई और जी हजूरी करे, जो हमें नचा रहे हम उसे तो नचाएं। तो उसने तो बोल रखा है कि उसे तो पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि जो हरासमेंट उसने सहाया, अगर हम किसी यहाँ से, हमारा टारगेट ये है कि जैसे लोग जीतने के बाद फिर उस पद के लिए फाइट करते हैं ना, हमें फ़ाइट नहीं करना, हमारा ये टारगेट कि आने वाले 16-17 साल तक हम PM की चेयर तक पहुँचे, क्योंकि वो हरासमेंट हमें सब अपना नहीं सभी का रोकना है। आपने कई स्थितियां देखी होगी महिलाओं को, आप अच्छे से जानती होगी, आज के राजनीतिक तंत्र में हम लोग भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण या उस आरक्षित सीट पे महिला का नाम तो आया, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में दूसरे लोग ही उस पद का इस्तेमाल करते हैं, ये स्थिति कैसी है, आप इसको कैसे समझते हैं? मैं बताती हूँ, हमारा ये वार्ड 51 है, और वार्ड 51 में 6 प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशी में मैं सबसे कम उम्र की, अनमैरिड हूँ, और अकेले अपने दम पे आ रही हूँ, सोसाइटी का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उसमें भी जब हम आगे बढ़ेंगे तब ये लोग चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। लेकिन क्या है, जो बाकी 5 प्रत्याशी हैं ना, 5 में से 4 तो यानी जो वाइफ हैं अभी दिख रही हैं, चोला वो जो भी है घर का काम छोड़ के, लेकिन फिर उनके हस्बैंड ही आते हैं, एक ने अपनी मम्मी को उठाया, तो सेम चीज़ आप कह सकते हो कि सबका फेस अलग है और काम अलग है। यहाँ तक कि आपको बताएं कि जीतने के बाद भी लोग इतना वो होते हैं कि जो पार्षद बन जाता है उसके साइन भी वो खुद ही करते हैं, आपका पार्षद कोई और साइन कोई कर रहा है, सारे ऑन पेपर। हम लोग UP में देख रहे हैं कि बहुत से बैनर पोस्टर पे नाम तो होगा लेकिन उस महिला की फ़ोटो तक नहीं होती है, ये कैसी राजनीति है, कैसी महिलाओं की हिस्सेदारी है? तो उसी चीज़ को हम समझना चाहते हैं कि महिलाओं को किस तरह ये लड़ाई लड़नी चाहिए और अपनी बराबरी जो हिस्सेदारी है उसको कैसे ले आगे लेकर आना चाहिए। सर देखिए, मुझे लगता है ना, महिला और पुरुष का मैं बार बार ये कहती हूँ, जैसे आपने निर्णय में भी देखा है, अगर मोड़ भी देखी होगी, मैं महिला पुरुष पे नहीं जाती, मैं कहती हूँ कैपेसिटी कितनी है। आप देखेंगे, मैं मेरे साथ जेंट्स भी थे, एक्चुअली जो चीज़ें हैं ना आप बदलते हो। बैनर की अगर बात करें तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आपने कहा कि जो लड़ रहा है उसका फ़ोटो तक नहीं होता, और रैलियाँ निकल रही हैं तो वो प्रत्याशी तक नहीं होता है, बस उसके नाम के नारे लगते हैं। तो ये स्थिति तो तभी बदलेगी जब वो औरतें ना कहना सीखेंगी, है ना, कि पति ने कहा है तो चलो चुनाव में खड़े हो गए, पति ने कहा है तो यहाँ, आप अपने फैसले लेना तो सीखिए। ठीक है, पति ने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन उस सपोर्ट को आप खुद रिप्रेजेंट कीजिए ना, यानी चेहरा किसी का है, काम किसी का है, तो वही हम जब डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों को यही समझा रहे हैं कि जो अभी है चेहरा वो आगे भी होगा। अभी जब हम वो फॉर्म भरते हैं, नामांकन फॉर्म भरते हैं, वहाँ गए थे निर्वाचन आयोग, मेरा एक फॉर्म था जो एक बार में ओके था, बाकी 5 प्रत्याशी को हमें लगा कि ये हमें नहीं बुला रहे, इनको बुला रहे और बिठा रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा था आवाज़ दे के बिठाएंगे। हम सुबह 11 बजे से उधर बैठे थे, 10:30-11 से 3 बज गए, अब हम तो वेट कर रहे, फिर डांटेंगे अंदर से वो भी। तो हमने जाके पूछा, सर वो आपने अभी तक बुलाया नहीं है, क्योंकि वो वार्ड 51, 52, 53, 54, 55 एक रूम में 5 थे। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपका तो ठीक है, आप जाओ।
हंसी भी आई, गुस्सा भी आया। तो मैंने कहा ये करे मैडम, इन सबके फॉर्म में गलती है। अब यकीन मानी कि यहाँ आप दो दो बार पार्षद रह चुके हैं, तीन तीन बार रह चुके हैं, बावजूद उसके आपको नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरना है। और इवन एक जो लगातार दो बार से प्रत्याशी लड़ रहा है, उसका फॉर्म हमने खुद भरा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात हैं। आप चुनाव में हैं, आपके किस तरह के एजेंडे हैं इस बार अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरह के काम आप सोच रहे हैं, क्या प्लान है? सर, मैं एक सिंपल सा लोगों को यही समझा रही हूँ, मैं वादे नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि जब हमने शुरुआत की तो लोगों की वोट नहीं थी, लोग 30 या 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो किसी की वोट नहीं है। आपका जो सबसे स्वतंत्रता का पहला अधिकार है वोट डालना, और जो बिना किसी दबाव के आप डाल सकते हैं, क्योंकि कमरे में जाके एक उंगली का खेल है, तो वो ही आपके पास नहीं है। तो हमने वहाँ से पहले शुरुआत करी, पहले वो काम किया, देन क्योंकि 4000 वोट बनाना बहुत मुश्किल काम है। हमें BLO ने बोला कि मैम हम तो 3-4 वोट बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा 50 चले जाते, अगर आप लोग नहीं होते दोनों बहनें तो शायद हम इतना काम नहीं करते। तो उनको पकड़ के रखना, और इतना बड़ा वार्ड है, 10 BLO हैं, उनको कंट्रोल भी रखना है, उनको बोलना है कि आप काम कीजिए, हम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता लगा लोग ये करते हैं, जब BLO का जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जब वो आते हैं वोट बनाने, तो लोग सिर्फ अपने प्रत्याशी का बनाते हैं। यानी अगर उनका जो बैंक वोट है, 250-200, वो सिर्फ वही नाम देंगे जो उनकी जीत के लिए है, बाकियों की वो वोट नहीं बनवाते। और हमने ये सब नहीं किया। देन मुझे लगता है सबसे ज़रूरी, यहाँ अगर देखेंगे पार्षद कोई भी, यानी नेता है या जो भी लीडर है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कानूनी तौर पे उसके काम है, मुझे लगता है वो तो उसके काम है ही। तो मैं तो उसमें ये नहीं कह सकती कि अगर मैं पार्षद बनके मुझे गटर नालियाँ या सड़कें बनानी है, वो तो बेसिक काम है ही। लेकिन मुझे लगता है जो मैं ग्रोथ करूँगी 5 साल में अगर जीत के आती हूँ, वो है कि जो सोच, कम से कम इंसान को फाइट लड़ना, जानकारी, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत काम रुक जाते हैं, तो उनको जानकारी और उस काम को कैसे करना है वो मैं पहले करूँगी, क्योंकि वो निर्भर ना रहे मेरे पर या आने वाले किसी और पार्षद पर। चाहे हम जीते ना जीते वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ लोगों को अवेयर हम जरूर कर रहे हैं। और जो मुझे लगता है मेन है यहाँ पार्क, आप देखोगे नगर निगम के पार्क है, जैसे ये भी जो हाउस है, ये बारात घर था, यहाँ सिंपल लोग बहुत सस्ते में अपने शादी ब्याह कर सकते थे, लेकिन अभी वो नहीं है, बहुत बन गया तो पैसे भी बढ़ गए। तो पार्क की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चे खेल नहीं सकते, बुजुर्ग लोग बैठ नहीं सकते हैं, महिलाएं कहीं जा नहीं सकती है, क्योंकि आप देखेंगे इतना तो कोई इतना बड़ा पार्क ऐसे दिख नहीं रहा है। और मोड़ अगर आप लोगों ने देखी तो आप देखोगे कि हर जगह पे जेंट्स रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ नहीं है, ना बुजुर्गों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है जो मेरी नज़र में आ रही सबसे मेन समस्या है पार्क। जनता से आपकी जो जनता है, गाजियाबाद की जो जनता है, उनसे आपकी क्या अपील है? आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत लंबे समय से महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रहे हैं, हर किसी मुद्दे पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से महिला शक्ति को आगे आना चाहिए आज के दौर में? सर, मैंने कहा ना, पहले तो महिलाओं को ना बोलना पड़ेगा, जो भी गलत है, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है घर के अंदर, घर के बाहर या सोसाइटी में, आप ना बोलना सीखें। ना बोलना नहीं सीखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो पहले ना बोलना सीखे, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। बहुत लोग आपको देखते हैं, बहुत लोग समझते हैं, नई जो पीढ़ी है, जैसे लड़कियां जो आ रही है, आप पेशे से एक फिल्मकार भी है, तो फिल्मों की नज़रिए से भी आप लोगों को देखते हैं, जो लोग आप जैसे चीज़ों को समझते हैं, उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते? सर, मुझे लगता है जो मैं काम कर रही हूँ ना, अगर मैं आज यहाँ से जीतती हूँ तो डेफिनेटली मेरे बाद शायद 5 लड़कियाँ या 5 महिलाएँ और आएंगी। जैसे आपने, मैंने कहा मेरी बहन है, एक सीमा भाभी हैं, वो चली गई हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ दिन रात लगे हैं, यानी मुझे लगता है जैसे मैं कभी कभी थक जाऊँ तो वो मुझे पुश करते, नहीं तुझे चलना है। तो मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें आएंगी ना, जैसे ब्रदरहुड एक बहुत कॉमन शब्द है, बहुत फेमस है, तो मुझे लगता है सिस्टरहुड आ जाए, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। यानी घर की सफाई के साथ साथ सोसाइटी की भी इजीली हो जाएगी, अगर हम सिस्टरहुड समझ जाए। और मुझे लग रहा है ये आ रहा है, आपने देखा होगा रैली में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग भी आ जाएंगे, अगर आप लोग सुबह आते तो और ज़्यादा थोड़ी भीड़ थी। चलिए, आज
आज आप नगर पालिका चुनाव में पार्षद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, आगे क्या प्लान है, इससे आगे और कैसे देख रहे हैं अपने आप को? मैंने कहा ना, मैं पद के लिए लड़ाई नहीं करूंगी, अगर मैं यहाँ जीतती हूँ तो मेरा 5 साल उससे आगे का होगा, उससे ऊंचे। आपने कहा यानी मेरा टारगेट है 16-17 साल तक प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुँचना। चलिए, हमारे साथ पुष्पा रावत जी थे, जिनके साथ हमने नगर पालिका और महिलाओं के मुद्दे को लेकर हमने बातचीत की। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, आप पानी पीएंगे? पसीने पर्सन सबको दे दें।